भारतीय जनता पार्टी की मिशन 75+ की शुरुआत हो गई है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना यहाँ नामांकन दाखिल किया, उनके साथ योगी आदित्यनाथ और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता थे वो भी आए थे। हम बात करते हैं करनाल से सांसद सर, क्या लगता है कि भाटिया साहब स्थिति क्या होने वाली है? इस बार 75+ का नारा दिया और शुरुआत आज से यहीं से हो गई, कैसे देखते पूरे चुनाव? मैं समझता हूँ कि इस चुनाव का फैसला जो आने वाला है, इसकी झलक लोगों ने अभी जो पिछले महीने जन आशीर्वाद यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निकली, जिस तरह हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर आकर केवल माननीय मुख्यमंत्री जी की झलक पाने के लिए, केवल इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि हमारा हरियाणा उन्हीं के हाथों में सुरक्षित है, जिस तरह से विगत 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार ने अपनी ईमानदारी का एक नया आयाम स्थापित किया, मेरिट के ऊपर नौकरियां दी, भाई भतीजावाद खत्म किया, क्षेत्रवाद खत्म किया, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने का प्रयास किया, ऐसे मनोहर लाल जी को पुनः जनता एक बार फिर सेवा का मौका देना चाहती है। विपक्ष इंतजार कर रहा था कि आप टिकट अनाउंस करें उसके बाद वो करें, और जाहिर तौर पर शायद हो सकता है उनके पास नेताओं की कमी हो, ये तो लोग सोच रहे हैं इस बारे में, और जैसे आपके जो विरोधी हैं जो जिनको टिकट नहीं मिली वो उनकी चार रख रहा है, आपको लगता है कि टिकट चार रखने वाले ऐसी पार्टियों को आपकी इस चुनाव में क्या मिलने वाला है? मैं समझता हूं कि आपने जो मैंने कहना था वो आपने खुद ही कह दिया प्रश्न के अंदर ही, वो बिल्कुल बिल्ली के उसमें कहते हैं भाई मुंह को ऊपर करके बैठी है, अभी किस तरह छीका फूटे और हमारे मुंह में कुछ आए, इसी इंतजार में बैठे होंगे। लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो सच्चे सिपाही हैं, प्रमाणिक कार्यकर्ता हैं, आज वो इस नॉमिनेशन के अवसर पर सब यहाँ पर मंच में और पंडाल पर मौजूद थे, किसी प्रकार का भी जो उनकी उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई विपक्ष की, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में विपक्ष की जो अपनी इन फाइटिंग है उसी के कारण ही वो चुनाव से पहले ही चुनाव हार चुके हैं। हरियाणा भाजपा के मुखिया ने यहाँ से अपना नामांकन दाखिल कर दिया और चुनावी ताल ठोक दिए, लेकिन अभी तक किसी भी, चाहे कांग्रेस हो चाहे जेजेपी, जो तमाम जो दूसरे दल हैं जो अपने आप को हरियाणा का सबसे धुरंधर कहते हैं, कोई उतार नहीं पाया। स्थिति क्या लगता है कि उनके पास इस लेवल का कैंडिडेट नहीं है, या उनको लगता है कि ये खासकर सीट छोड़ देनी चाहिए? नहीं, अगर उनके अंदर इतनी वो अपनी उदारता के कारण उनको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा और एक इंसानियत का भाव रखा, एक राजनीति के संत के रूप में अगर उनकी श्रद्धा इसी प्रकार की है तो हम उनका स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि वो चाहते हैं कि सर्वसम्मति से माननीय मुख्यमंत्री जहाँ से चुने जाएँ तो उनका आभार व्यक्त करते हैं, वरना जो भी वो हमारे सामने कुछ भी प्रस्तुत करेंगे हम उसी के साथ अपना चुनाव चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे। हाँ बिल्कुल, वो तो हमारा, हम अपने लक्ष्य को आगे लेकर बढ़ेंगे। धन्यवाद भाटी साहब। तो आपने सुना कि दरअसल संजय भाटिया जी ने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने चुनावी आगाज को यहाँ से शुरू कर दिया है, लेकिन स्थिति बड़ी आसान है क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 5 वर्षों के काम से इस बार जनता उनको वोट देने जा रही है, और जाहिर तौर पर मिशन 75+ की शुरुआत यहीं से की गई है, और इसका कहीं ना कहीं एक सार्थक और सकारात्मक जो नतीजा है वो देखने को मिलेगा। कैमरामैन सियाराम के साथ कुमार रमेश, R9 TV करनाल।